नमस्कार, कुक विद रमा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम बनाएंगे दावेली। तो हमने ये पाव लिए हैं दावेली के लिए। ये नमकीन है, आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं। ये जो है पाव भाजी मसाला है और ये मूंगफली दाना है, इसको हमने रोस्ट करके छील के रख लिए हैं। ये 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं। ये प्याज है, हरी मिर्च, लाल मिर्च और ये नमक। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पैन हमारा गर्म हो चुका है, हमने इसमें सिर्फ 2 चम्मच तेल डाला है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमें बिल्कुल हल्की सी भूननी है, बहुत ज़्यादा नहीं भूननी है। तो देखिए, बस प्याज हमें इतनी ही भूननी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूननी है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। अब हम इसमें ये अपनी मिर्च नमक डाल देंगे। ये देखिए, अब हम पाव भाजी मसाला डाल देंगे इसमें। ये हमने 1 चम्मच बड़ी भर के ली है। ये हमने नींबू का रस लिया है, आधे नींबू का रस, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा। ये हमने टमाटो केचप लिया है, इसको भी डाल देंगे। ये मूंगफली दाना, इसको भी डाल देंगे। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, अब हम इन पाव को बीच से काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें काट लेना है। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे, इस तरीके से हमें भर लेना है। इसके ऊपर हम नमकीन डालेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे पाव को भर लेंगे। तो देखिए, हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर के संग हम अपने सारे पाव को सेक लेंगे। तो ये देखिए, हम थोड़ा सा ऊपर से भी बटर लगाते जाएंगे। अब हम अपने पाव को पलट देंगे। तो देखिए, पाव हमारे सिक्के तैयार हैं। ये देखिए आप, बहुत अच्छे सिक्के हैं। तो देखिए, दावेली बनके हमारी बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।